दोस्तों, तो क्या आपको पता है कि झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है? इस सवाल आपके माइंड में आते ही आप सोचे होंगे मनोज दे, लेकिन मनोज दे से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर राज भाई का है। वहीं पे राज भाई का सब्सक्राइबर 6.6 मिलियन से भी ज़्यादा है और मनोज दे का सब्सक्राइबर 5 मिलियन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, क्योंकि आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पैसा। यदि जो पैसा कमा रहा है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। भले ही आपका सब्सक्राइबर कम हो और मेरा सब्सक्राइबर यदि ज़्यादा है और आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हम कम कमा रहे हैं, तो सब्सक्राइबर का वैल्यू नहीं है। अभी के ज़माने में पैसा का वैल्यू है। और मनोज दे और राज भाई दोनों में से कौन गरीब को डोनेट करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि झारखंड से ही मनोज दे आते हैं और राज भाई झारखंड के गिरिडीह जिला से आते हैं। झारखंड से ही आते हैं और दोनों यूट्यूबर हैं। तो मनोज दे वहीं जहां पे एक टेक्निकल टिक के बारे में पढ़ाते हैं, बताते हैं कि यूट्यूब पे कैसे आना, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, कैसे पैसा कमाना है, इस सब टॉपिक पर चर्चा करते हैं और वो पैसा कमाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस टॉपिक पर। वहीं राज भाई एक डांसर है, भोजपुरी के सुपरस्टार डांसर, जहाँ पे राज भाई का बहुत ज़्यादा फैन है, लगभग 6.68 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ है, उनका गाना मिलियन मिलियन में व्यूज आता है। तो दोनों में ना कहीं तो अंतर है, लेकिन दोनों पैसा कहाँ से कमाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाते हैं? यदि बात करें हम मनोज दे का, वह सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाते हैं वो स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, क्योंकि उनका देखिएगा YouTube चैनल में जब भी आता है तो उन्होंने बताते हैं कि इस ऐप पे, इस गेम पे ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उनको स्पॉन्सर से ज़्यादा पैसा मिलता है। वहीं राज भाई का गाना मिलियन में, करोड़ों में व्यू आता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा पैसा कमाता आखिर कौन है? तो भाई कमाता तो राज भाई है, लेकिन कमाने के बाद बचता कितना है वो डिपेंड करता है। भाई राज भाई गाना खरीदते हैं, फिर अपने बैकग्राउंड डांसर को देते हैं, लगभग 6-7 बैकग्राउंड डांसर है, एडिटर है, मतलब उनका पैसा तो कमाई होता है बहुत ज़्यादा, लगभग लाखों, 10-15 लाख में होता है, लेकिन उसका जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वहीं मनोज दे का जो पैसा है वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकम है, और उनका जो पैसा है वो कहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनका अकेला का खुद का चैनल है, वो कहीं नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि बात करते हैं मनोज दे का, तो मनोज दे का अपना घर है, वीडियो में देखे होंगे कि 2 करोड़ का घर बनाया, गाड़ी ले लिया, अपने बीवी के लिए भी गाड़ी खरीद लिया। और राज भाई का तो ऐसा कुछ हम लोग देखे नहीं कि राज भाई दिखाएं कि मेरा इतना बड़ा घर है, मेरा इतना गाड़ी है, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, ये सब उन पर चर्चा नहीं करते हैं राज भाई अपने। तो आज तक आप लोगों ने ऐसा एक भी वीडियो नहीं देखा होगा जो मनोज दे किसी को, मतलब किसी गरीब का सपोर्ट किए होंगे। लेकिन वही राज भाई हैं, जो राज भाई बहुत सारे ऐसे गरीब को हम देखे हैं कि वह सपोर्ट करते हैं, वह गरीबों के बीच में जाकर उसको कुछ मदद करते हैं, कुछ अनहोनी हो जाता है, किसी के घर में घटना घट जाता है तो उनको जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बांटते भी हैं। यदि आप सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा तो मनोज दे ही कमाते हैं, और सबसे बड़ा यूट्यूबर यदि आप सब्सक्राइबर के थ्रू में बात करते हैं तो राज भाई हैं, जो भोजपुरी सिंगर के, मतलब एक सुपर स्टार डांसर है। यदि पैसे के थ्रू आप यदि बात करना चाहें तो वहीं मनोज दे हैं, क्योंकि मनोज दे लाखों लाखों में खेलते हैं और सारा पैसा उसका खुद का ही होता है और राज भाई का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो भाई यदि यूट्यूब पे आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और मेहनत करना ही पड़ेगा, कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे मेहनत आप लोग को भी करना पड़ेगा। और इसमें भी बहुतों का लाइफ बना हुआ है, झारखंड में बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, जैसे डांसर सनातन हो गया, रिया व्लॉग हो गया, बहुत सारे मोंटी व्लॉग हो गया, बहुत सारे ऐसे झारखंड में यूट्यूबर हैं जो अभी लाखों में खेल रहे हैं। और यदि आप भी खेलना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो आज से ही बनाना शुरू कर दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।